हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलो प्रारंभ करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 4, औद्योगिक विकास। और ये वीडियो ओनली ऑडियो है। अगर कोई भाई ऐसे समझ रहा है कि ये वीडियो भी आएगी, पढ़ाएंगे भी नहीं, तो ओनली ऑडियो है। उन भाइयों के लिए है जो कि देख नहीं सकते, ठीक है, जो अंधे हैं, वो भाई भी आराम से तैयारी कर सकें, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो चलो दोस्तों प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कि जीडीपी में योगदान औद्योगिक उद्योग का कितना है राजस्थान के अंदर। तो अपन अगर देखें स्थिर कीमतों पर, एक है प्रचलित कीमतें, एक है स्थिर कीमतें। स्थिर कीमतें 2011-12 के आधार पर उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वह है 27.76 है। और प्रचलित कीमतों पर देखें तो लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, तो इसका है 27.31% योगदान है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें लगभग 6% की वृद्धि हुई है। और इसके अगर उपक्षेत्र देखें, उद्योग क्षेत्र के अगर उपक्षेत्र देखें, तो इसमें है विनिर्माण है, फिर निर्माण है, फिर है जैसे हो गए अपने विद्युत हो गई, गैस होगी, जलापूर्ति, ये हो गया, और चौथा कौन सा है, खनिज हो गया। तो इसका इनका योगदान कितना कितना है, तो विनिर्माण का सर्वाधिक है, लगभग 41% है। फिर है निर्माण का लगभग 32% है। फिर है विद्युत का, गैस आपूर्ति, जलापूर्ति का लगभग कितना है, इनका है लगभग 13% है। खनन क्षेत्र का कितना है, 12%, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, राज्य में उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए 33 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र हैं। कितने हैं, 33 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र हैं। फिर देखते हैं कि IIP, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो कि CSO द्वारा जारी किया जाता है और प्रति माह जारी किया जाता है। आधार वर्ष इसका 11-12 है। और इसके अलावा तीन प्रमुख समूहों के आधार पर जारी किया जाता है, इसमें विनिर्माण और खनिज, और कौन सा हो गया, विनिर्माण हो गया, खनिज हो गया, और जो विद्युत जलापूर्ति वगैरह ना, उन पे तीनों पे ये जारी करता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को किसको नहीं लेता, यह निर्माण को सम्मिलित नहीं करता, ओनली उन तीन क्षेत्रों का आता है जिनका मैंने नाम लिया। विनिर्माण का आता है, विद्युत क्षेत्र और खनन, तीनों को ही लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत में जो कुल उत्पादन होता है, जो या फिर इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको याद रखने के लिए आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एक कोड देता हूँ मैं, RESCOC सीमेंट, NGF, RESCOC सीमेंट, COC सीमेंट और NGF। तो R से क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जिसका उद्योगों के अंदर कोर इंडस्ट्री है ना, जो 8, उनमें सर्वप्रथम है रिफाइनरी, ठीक, रिफाइनरी उत्पाद। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर है RESS का मतलब स्टील, ठीक है, स्टील। फिर आ जाएगा सर्वप्रथम कौन सा आ जाएगा, COC, COC का मतलब, CO मतलब क्रूड ऑयल, और COCC का मतलब कोल। फिर आ जाएगा कोल, कोल के बाद आपको क्या लेना है, कोल के बाद आ जाएगा सीमेंट, ठीक है, सीमेंट। सीमेंट के बाद आ जाएगा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के बाद आ जाएगा रासायनिक उर्वरक, ठीक है, या फिर उर्वरक फर्टिलाइजर, ठीक है क्या। और फिर देखें कि वर्ष 2022-23 में सामान्य सूचकांक कितना रहा था, 134 रहा था। IIP वर्ष 2022-23 में कितना रहा था, 134 रहा था। और फिर देखते हैं कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम जो उद्योग हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, और इनकी नई परिभाषा आई 1 जुलाई, 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, कब आई थी, 1 जुलाई 2020 को, जिसके तहत निवेश और टर्नओवर के आधार पर बांटे गए हैं। तो निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम को 1 करोड़, सूक्ष्म को निवेश 1 करोड़, लघु का 1 से 10 करोड़, मध्यम का 10 से 50 करोड़, और टर्नओवर कितना है सूक्ष्म का, सूक्ष्म का टर्नओवर है लगभग दोस्तों 5 करोड़ तक, ठीक है, और लघु का कितना है 5 से 50 करोड़, और टर्नओवर का टर्नओवर कितना है मध्यम का, यह है 50 से 250 करोड़ है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम एक तरफ लिख लेता हूँ, और उसके साइड में निवेश लिख देता हूँ, निवेश लिखता हूँ 1 10 50, 1 10 50, उसके साइड में लिख लेता हूँ टर्नओवर, टर्नओवर कितना होगा 5 50 250, 5 50 250 करोड़ में ये सभी, ठीक है, करोड़ के अंदर है। फिर देखें MSME नीति 2022 में ही 17 सितंबर 2022 से यह लागू हो जाती है। महिला SC ST और निःसज्जनों को इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है। सब
ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था कि एमएसएमई की जो नई परिभाषा है वह कब आई थी, यह 2020 के अंदर आई थी, कब, जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 से यह लागू हो गई थी। और जो एमएसएमई नीति है नई वह 2022 कब आई थी, 17 सितंबर 2022 को आई थी एमएसएमई नीति नई, ठीक है। फिर अन्य क्या प्रयास किए गए हैं, उद्यमी रजिस्ट्रेशन के लिए 2020 में ही, जुलाई 2020 में ही उद्यमी पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। और फिर पढ़ते हैं योजनाएं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को आती है मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, और यह किसके लिए है, लघु उद्योग के लिए। कितने रुपए मिलते हैं, मैक्सिमम 10 करोड़ मिलते हैं, 25 लाख पर कितना प्रतिशत तक ब्याज अनुदान है, इसमें 25 लाख तक है 5%, ठीक है। और अगर 5 करोड़ लेते हैं आप, 25 लाख, 25,000 के बाद 5 करोड़, 5 करोड़ पर है, इसके अंदर कितना है, 6% अनुदान है। और उसके बाद है पूरे 10 करोड़, 10 करोड़ पर कितना प्रतिशत अनुदान है, 8% अनुदान है दोस्तों, ठीक है। तो 5, 6, 8 याद रखना, और टोटल 10 करोड़ तक मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन, सूक्ष्म उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को आती है। फिर अगली योजना है एमएसएमई अधिनियम। एमएसएमई अधिनियम कब आया था, एमएसएमई अधिनियम 2019 में आया था, और यह कब लागू हुआ था, यह 17 जुलाई 2019 को लागू हो गया था। और इस अधिनियम का एक अलग नाम है, किस, क्या नाम है, एमएसएमई फैसिलिटेशन फॉर एस्टेब्लिश एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, 17 जुलाई 2019। और इसके अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका क्या नाम है, राज उद्योग मित्र। क्या नाम है, राज उद्योग मित्र। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके तहत आवेदकों को 3 साल तक की सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाती है। इसके अलावा एक है एमएसएमई एक्ट 2006, जिसके तहत क्या है कि अगर एमएसएमई उद्यमी विलंब भुगतान कराते हैं तो उसके समाधान हेतु 10% हैं, जो कि राज्य स्तर पर 2 है और संभाग स्तर पर है 8 है। फिर देखें निर्यात अगर देखते हैं तो 2021-22 के अंदर राजस्थान ने निर्यात लगभग 72,000 करोड़ का किया, ठीक है। और इनमें से 5 सर्वाधिक जो निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी, तो उनको याद रखने के लिए आपको फिर से एक कोड देता हूं, आप तो याद रखना, ETMHC, E4 इंजीनियरिंग उत्पाद, T टेक्सटाइल, M मेटल, ETM, H हैंडीक्राफ्ट, और C का मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल उत्पाद हो जाएंगे। तो निर्यात की यह वस्तुएं थी, और इनका योगदान कितना था, निर्यात के अंदर 60% योगदान था दोस्तों, ठीक है। 5 वस्तुएं थी ये, इनका 60% था, और वर्ष 21-22 के अंदर अपन ने 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। फिर है मिशन निर्यातक बनो, जो कि 29 जुलाई 2021 को आया था, और यह रिको प्लस उद्योग विभाग द्वारा संचालित है, और इसका लक्ष्य है 22,731 नवीन निर्यातक बनाने हैं। इसके अलावा निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, और इसका दूसरा चरण है जो कि कौन संचालित कर रहा है, REPC राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मतलब राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसकी स्थापना कब की गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी 8 नवंबर 2019 को की गई थी। वह दूसरा चरण संचालित कर रहा है किसका, मिशन निर्यातक बनो। कब आया था मिशन निर्यातक बनो, यह आया था 29 जुलाई 2021 को आया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब आई थी, यह आई थी 13 दिसंबर 2019 को आई थी, ठीक है। एमएसएमई अधिनियम कब आया था, एमएसएमई अधिनियम भी 17 जुलाई 2019 को आया था। इसके अलावा एमएसएमई नीति नई कब आई थी, यह 2022 में आई, कब लागू हुई, 17 सितंबर 2022 को लागू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा फिर अगली की योजना क्या है, राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर क्या है कि जो निर्यात करते हैं ना उनको पुरस्कार देते हैं, 2019 से है, यह है 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार प्लस लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिए जाते हैं 33, ठीक है, क्या लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिए जाते हैं 33। तो वापस बताता हूँ कि राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन योजना, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, सॉरी राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना 2019 से संचालित है, 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार प्लस लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, टोटल कितने देते हैं,
15 हो गए टोटल, है ना, कि 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार तो वो दे दिए अपने जो निर्यात किए। उसके अलावा एक देते हैं लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, टोटल ठीक है 33 देते हैं, किसके अंदर, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत, और 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है, एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को राजस्थान में क्या मनाया जाता है, बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है दोस्तों। और फिर है आगे निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण का, दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब जो निर्यात करने के लिए ना प्रशिक्षण देते हैं कि आप निर्यात करो, यह योजना कब संचालित है, यह 2012 से संचालित है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु REPC राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई है। किसकी काउंसिल की गई, किसकी स्थापना, REPC, कब कब की गई थी इसकी स्थापना, मैंने आपको बताया था 8 नवंबर 2019 को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई थी। फिर है अगली योजना अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना। अगर अपन मतलब अंतर्राष्ट्रीय मेला लग रहा है कोई भी, है ना, निर्यात के लिए या फिर विदेशी व्यापार मेला लग रहा है कोई भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई व्यापार मेला लग रहा है, उसमें अपन भाग लेते हैं ना, तो भी राजस्थान गवर्नमेंट क्या है, सहायता देती है। यह कब से दे रही है, वर्ष 2012-13 से, वर्ष 2012-13 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापार मेला लगा उसमें अपन भाग लेते हैं तो प्रोत्साहन राशि देती है। इसे क्रियान्वयन कौन कर रहा है, इसे क्रियान्वयन राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कर रही है, जिसकी स्थापना 8 नवंबर 2019 को हुई थी। फिर क्या है, नवीन दिशा निर्देशों के साथ मार्च 2025 तक बढ़ाया गया इस योजना को। भूमि किराए का लगभग, अगर अपन मान लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापार मेला लगा है और तो वहाँ पे अपने को दुकान लगानी है, ऐसे तो नहीं अपन देखने जाएंगे, वहाँ पे कोई दुकान लगानी है तो जितने रुपये लगेंगे ना उसके 50% या फिर अधिकतम मैक्सिमम कितने देंगे, 1,00,000 रुपये अपन को राजस्थान सरकार देगी। विदेशों में प्रतिनिधिमंडल को 10,00,000 रुपये का प्रावधान। अगर कोई प्रतिनिधिमंडल मान लो जाता है अपने राजस्थान से तो उसको कितने रुपये देंगे, 10,00,000 रुपए देंगे। और कौन सी योजना है ये, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु सहायता योजना, और यह 2012-13 से संचालित है। अगर अपन व्यापार मेले में, अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेले में भाग लेते हैं तो अपने को वहां पर जो भूमि क्रय है उसका 50% या फिर मैक्सिमम 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल कोई जाता है तो उसको 10,00,000 रुपए दिए जाते हैं। और यह कब तक मतलब इसको बढ़ा दिया, मार्च 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और फिर है अगली योजना, एमएसएमई निवेशकों हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र तथा 8 उप केंद्र बनाए गए हैं। तो कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, 36 जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं। कितने उप केंद्र बनाए गए हैं, तो 8 जिला उप केंद्र, जिला उद्योग उप केंद्र बनाए गए हैं। फिर है एक जिला एक उत्पाद, इसके तहत क्या है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पाद और सेवाओं की पहचान करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। कैसे, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमताओं वाले उत्पाद और सेवाओं की पहचान करना एवं उसे बढ़ावा देना, ठीक है समझ गए। फिर है सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है थोड़ा सा याद रखना, DEPC, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया। किसके तहत, एक जिला एक उत्पाद के तहत डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। और फिर चलते हैं आगे, तो एक जिला एक उत्पाद के तहत आपको मैं बता देता हूँ लिस्ट की, इसके अंदर हाँ जैसे जिला है अजमेर का है ग्रेनाइट, अलवर के है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बांसवाड़ा के हैं सिंथेटिक यार्न, ठीक है 12 में है सोयाबीन, 12 का है सोयाबीन, ठीक है इसका उत्पाद का नाम बोल रहा हूँ आगे और जिलों का नाम, ठीक है 12 का सोयाबीन, बाड़मेर में इसबगोल, बाड़मेर का इसबगोल, भरतपुर का शहद और खाद्य तेल, भरतपुर का शहद और खाद्य तेल, भीलवाड़ा में रेडीमेड गारमेंट्स और डेनिम, रेडीमेड गारमेंट्स और डेनिम, बीकानेर में सिरेमिक, बीकानेर में, बीकानेर का सिरेमिक, फिर बूंदी का चावल, बूंदी का चावल, चित्तौड़गढ़ का ग्रेनाइट या फिर मार्बल, चित्तौड़गढ़ का ग्रेनाइट या फिर मार्बल, ठीक है तो मैंने आपको दस्त करवा दिए। अभी वापस आपसे पूछता हूँ, जैसे कि अलवर का बताओ क्या है, अलवर का है ग्रेनाइट, ठीक है
सॉरी, अजमेर का क्या है? अजमेर का है ग्रेनाइट, और अलवर का क्या है? अलवर का है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, है ना, अलवर का क्या है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स। और बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा का याद करो क्या है? बांसवाड़ा का है सिंथेटिक यार्न, ठीक है, सिंथेटिक यार्न। और फिर 12 का, 12 का मैंने आपको बताया था सोयाबीन, ठीक है। और बाड़मेर का, बाड़मेर का था इसबगोल, इसबगोल बाड़मेर, ठीक है। फिर भरतपुर, भरतपुर में था शहद और खाद्य तेल, भरतपुर में शहद और खाद्य तेल। फिर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में रेडीमेड गारमेंट्स या फिर डेनिम, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स को भी डेनिम बोलते हैं। बीकानेर, बीकानेर में सिरेमिक, बीकानेर में सिरेमिक, बूंदी के चावल, बूंदी के चावल। चित्तौड़गढ़ का मैंने आपको बताया था, चित्तौड़गढ़ के है ग्रेनाइट या फिर मार्बल, ठीक है। फिर है चूरू, चूरू में वुड प्रोडक्ट्स, जितने भी वुड प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एक जिला एक उत्पाद के तहत किए गए हैं नाम इनका, वुड प्रोडक्ट का चूरू के। दौसा में कॉरपोरेट एंड स्टोन, स्टोन आर्टिकल, ठीक है, कॉरपोरेट एंड स्टोन आर्टिकल, ठीक है, दौसा के कॉरपोरेट और स्टोन आर्टिकल, दौसा में कारपेट और स्टोन आर्टिकल। धौलपुर में मिल्क पाउडर स्कीम्ड, धौलपुर में मिल्क पाउडर स्कीम्ड, धौल मतलब धोला, धोला धोला याद रखो, ठीक है, और धोला से मिल्क तो धोला होता है, तो मिल्क पाउडर स्कीम्ड। और डूंगरपुर ग्रेनाइट मार्बल स्लैब, इतनी देर अपन ने चित्तौड़गढ़ में भी पढ़ा था ग्रेनाइट या फिर मार्बल, और डूंगरपुर में भी है ग्रेनाइट मार्बल स्लैब, ठीक है, ग्रेनाइट मार्बल स्लैब है इसके अंदर। चित्तौड़गढ़ में सीधा ग्रेनाइट मार्बल था, लेकिन डूंगरपुर के अंदर है ग्रेनाइट मार्बल स्लैब। श्रीगंगानगर का गम पाउडर, श्रीगंगानगर का गम पाउडर, और हनुमानगढ़ का ग्वार गम, हनुमानगढ़ का ग्वार गम, और हनुमानगढ़ का ग्वार गम हो गया, श्रीगंगानगर गम हो गया सीधा पाउडर। और जयपुर की है ब्लू पोट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी, तो जयपुर में ब्लू पॉटरी प्लस जेम्स एंड ज्वेलरी। जैसलमेर का येलो मार्बल स्लैब एंड टाइल्स, येलो मार्बल स्लैब एंड टाइल्स हैं जैसलमेर का। जालौर, जालौर का क्या है? जालौर में मसाले एवं मोजड़ी उद्योग हैं, जालौर में मसाले एवं मोजड़ी उद्योग है। और फिर झालावाड़ का संतरा एवं सैंडस्टोन है, झालावाड़ का संतरा एवं सैंडस्टोन है। फिर देखें, अभी मैंने आपको 20 बता दिए, एक बार वापस पूछता हूँ, अजमेर का क्या बताया था? ग्रेनाइट, अजमेर का ग्रेनाइट, अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बांसवाड़ा का सिंथेटिक यार्न, बारा का सोयाबीन, बांसवाड़ा का सिंथेटिक यार्न, अजमेर का बोलो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अजमेर, अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट, बांसवाड़ा का सिंथेटिक यार्न, बारा का सोयाबीन, बाड़मेर का क्या बताया था मैंने? इसबगोल, बाड़मेर का इसबगोल, भरतपुर का शहद, भरतपुर का शहद, भीलवाड़ा क्या बताया था? रेडीमेड गारमेंट्स या फिर डेनिम, बीकानेर का सेरेमिक, बूंदी का चावल, चित्तौड़गढ़ की ग्रेनाइट, चूरू का वुड प्रोडक्ट्स, दौसा का कॉर्पेट एवं स्टोम आर्टिकल, धौलपुर का धोला मिल्क और स्कीम्ड, डूंगरपुर का ग्रेनाइट मार्बल स्लैब, श्रीगंगानगर गम पाउडर, हनुमानगढ़ का गम ग्वार गम, और जयपुर में ब्लू पॉटरी और जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसलमेर में येलो मार्बल स्टोन, सॉरी जैसलमेर में है येलो मार्बल स्लैब एंड टाइल्स, ठीक है। और फिर जालौर में मसाले एवं मोजड़ी उद्योग, मसाले एवं मोजड़ी उद्योग, झालावाड़ में क्या है? संतरा एंड सैंडस्टोन, और झुंझुनू में स्टोन प्रोडक्ट एंड वुड प्रोडक्ट, जोधपुर में फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद, करौली में है सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड है, कोटा में एम्ब्रॉयरी फैब्रिक, ठीक है, ये सभी इस प्रकार हैं। फिर है उद्योग लसन कहाँ का बताओ? प्रतापगढ़ का है, ठीक है। और उदयपुर का ग्रेनाइट मार्बल आइवरी कर्विंग, और टोंक का सैंडस्टोन, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विवाद निवारण तंत्र का एक समिति का गठन किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित कोई विवाद होना तो जिला स्तर पर तो कलेक्टर, और उसके अलावा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, ठीक है। और फिर देखें, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है, तो यह 2019 में 17 दिसंबर 2019 को प्रभावी बनाने हेतु 7 अक्टूबर 2022 को पुनः प्रारंभ किया है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। मैं आपको क्या बता रहा था पहले? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो बता रहा था, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम बता रहा था ना पहले, ठीक है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन परियोजना, वो तो अलग थी है ना, लेकिन ये है निवेश के लिए, वो तो एक्सपोर्ट करने के लिए थी, वो किसके लिए थी? काउंसिल थी, वो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थी।
वो तो एक्सपोर्ट करने के लिए थी, लेकिन ये है राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम जो कि पुनर् उसको प्रभावी बना। पहले तो कब आई सी था, दिसंबर 2019 को आई थी ये, ठीक है। लेकिन फिर देखें, एक सेकेंड, हाँ तो फिर देखो ये आई तो थी 17 दिसंबर 2019 को आई थी, मतलब 2019 के एकदम लास्ट में आई थी कि इन्वेस्ट करो और आप मतलब इन्वेस्ट करो, लोगों को ऐसे प्रोत्साहन करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहन किया। ये नीति कब आई थी, 2019 के दिसंबर में आई थी, 17 दिसंबर 2019 को आई थी। लेकिन अभी इसको और प्रभावी बनाने के लिए वापिस से इसे ही पुनः प्रारंभ किया गया है 7 अक्टूबर 2022 को। कब? 7 अक्टूबर 2022 को किया गया है। इसके उद्देश्य क्या है? एक तो इसका उद्देश्य बता देता हूँ मैं, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम का विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना है, ठीक है। एक तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना है, और वर्ष 2027 तक, कब तक? वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना है। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना है। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि का प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन करना है। तो इसमें दो बातें मुख्यतः आती है कि एक तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का 15% प्रतिवर्ष की 15% प्रतिवर्ष की दर से उनकी वृद्धि करनी है। दूसरा, वर्ष 2027 तक कितनी? 10 लाख व्यक्तियों को, बहुत होते हैं 10 लाख, 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार का सृजन करवाना है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, जो कि 17 दिसंबर 2019 को आई थी, जिसे प्रभावी बनाने के लिए उसे वापस से 7 अक्टूबर 2022 को पुनः उसको मतलब पुनः उसको लागू किया, और 15% की दर से बढ़ाना है किसको? सेवा क्षेत्र और विनिर्माण को, और इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार वर्ष 2027 तक देना है, ये इसका लक्ष्य है। फिर अन्य क्या प्रावधान है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज है। अगर 50 करोड़ से अधिक कोई अपने यहाँ पे निवेश करता है ना राजस्थान में, तो अलग से उसको प्रोत्साहन देंगे। फिर है प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ हैं, और इसके अलावा ब्याज अनुदान भी हैं, छूट है, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए छूट है, 100% छूट है, ठीक है। भूमि कर है ना, वो 7 वर्षों तक लेंगे ही नहीं, ठीक है क्या? अगर कोई इन्वेस्ट करता है अपने यहाँ पे, तो उससे 7 वर्षों तक अपन भूमि कर लेंगे ही नहीं, अपनी भूमि का कर, ठीक है। और स्टाम्प ड्यूटी में 75% एवं 25% राशि का पुनर्भरण है, ठीक है। तो स्टाम्प ड्यूटी भी इसकी लगभग जीरो हो जाएगी, पहले तो 75%, लेकिन फिर 25% का पुनर्भरण वापस दे देंगे। और रूपांतरण शुल्क में 100% छूट, तो अपने एक तो भूमि कर में छूट होगी और रूपांतरण कर में भी होगी, और 7 वर्षों तक ही SGST का 75% पुनर्भरण, ठीक है। एक तो 7 वर्षों तक SGST का 75% पुनर्भरण है, और भूमि कर बिल्कुल 100% जीरो है, और इसके अलावा रूपांतरण कर भी जीरो है। और आपको और क्या चीज़ बताई थी? हाँ, एक स्टाम्प ड्यूटी का 75% तक छूट है एवं 25% राशि का पुनर्भरण है, और 2027 तक कितने? 10 लाख लोगों को रोजगार 15% की दर से सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना है। ये किसकी लाभ है, ये किसके प्रावधान है? ये है राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम के हैं, जो कि 17 दिसंबर 2019 को आई थी, और पुनः प्रभावी रूप से इसे वापिस से लागू किया गया 7 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना, इसके अंदर क्या है? यह 11 अक्टूबर 2022 को आई थी, ठीक है। 7 अक्टूबर को तो वो आई थी इन्वेस्ट वाली, और उसके थोड़े दिन बाद ही 11 अक्टूबर 2022 को आई थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना।
18 से 45 वर्ष तक के आवेदकों को 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर 10% या फिर 60,000 रुपये का अनुदान है। ठीक है, या तो 15 लाख का कोई भी साधन खरीदना तो उस पर 10% रुपये देंगे या फिर 60,000 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। किसके अंदर? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, जो कि कब आती है, 11 अक्टूबर 2022 को आई थी। इसके अंदर 15 लाख तक का कोई अपन मान लो कोई ऐसे साधन खरीदते हैं उद्योग के लिए, तो उसमें या तो 10% राजस्थान सरकार देगी या फिर मैक्सिमम 60,000 रुपये देंगी। इससे पहले हमने पढ़ी थी राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम, जो कि कब आई थी, आई थी 17 दिसंबर 2019 को आई थी, और उसे प्रभावी बनाने के लिए अभी पिछले साल कब लॉन्च की, 7 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की वापिस से। उसके अंदर क्या प्रावधान है? एक तो प्रावधान यह है कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो उसमें आपके भूमिकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, शून्य भूमिकर लगेगा, और उसके बाद जो कन्वर्टिंग की जो रुपए हैं वो भी नहीं लगेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या था कि हाँ, SGST है ना, उसका 75% तो माफ, लेकिन 25% का पुनर्भरण है। और फिर है जो स्टाम्प, नहीं, 7 वर्षों तक SGST का 75% तक पुनर्भरण है, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी है ना, वो 75% तक तो पहले माफ, फिर उसके बाद 25% का पुनर्भरण कर दिया जाएगा। ठीक है, और 15% तक को अपने को बढ़ाना है पर ईयर की दर से, किसको, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण को, और उसके अलावा 10 लाख लोगों को 2027 तक क्या देना है, रोजगार देना है। फिर है आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में। इसमें क्या है, गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में SCST की भागीदारी बढ़ाने हेतु 8 सितंबर 2022, ठीक है, वो अक्टूबर में ऐसी, लेकिन ये सितंबर में ही आ गई थी, उससे 2 महीने पहले। ठीक है, 8 सितंबर 2022 को प्रारंभ। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें 5 करोड़ रुपए तक अनु दिए जाते हैं, कि 25 लाख रुपए पर 9% ब्याज अनुदान है। ठीक है, और 25 लाख पर हो गए, फिर 25 लाख से 5 करोड़ तक, सॉरी 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ना, इसमें 10 करोड़ रुपए हैं। जैसे अपने लघु उद्योग वाला पढ़ा था ना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग जो योजना 13 दिसंबर 2019 को आई थी, जिसमें 10 करोड़ रुपए थे, वैसे की वैसे सेम है, लेकिन इसके अंदर जो ब्याज रेट है ना, वो 1% ज़्यादा है। जैसे कि 25 लाख पर रुपए लेंगे तो 9% ब्याज अनुदान है, और 25 लाख से 5 करोड़ लेंगे तो 7%, उसमें 6% था, है ना। और फिर है, हाँ, 5 करोड़ से 10 करोड़ लेंगे तो इसमें 6% है, और उसके अंदर कितना था, उसके अंदर 5% था। अभी किसकी योजना की बात करें अपन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना कब आई थी? ये आई थी 8 सितंबर 2022 को, 8 सितंबर 2022 को आई थी। 10 करोड़ रुपये मैक्सिमम पर अनुदान दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 10 करोड़ पर दिया जाता है 6%, और 5 करोड़ से 5 करोड़ तक रुपए तक कितना दिया जाता है, 25 लाख से 5 करोड़ तक इसके लिए दिया जाता है। मैंने आपको बताया 6, 6 के बाद अब आ जाओ 8, नहीं, हाँ, 7%, ठीक है, 7%। फिर अब 25 लाख पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाता है। किसके अंदर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में आई थी। इससे पहले हमने पढ़ी थी मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, जो कि कब आई थी, जो आई थी 11 अक्टूबर 2022 को आई थी। 18 से 45 वर्ष का कोई भी उद्यमी इसके तहत लाभ ले सकता है। और फिर है कि हाँ, 15 लाख तक का कोई साधन ले, उसमें 10-15 लाख का कोई साधन ले सकता है, जिसमें से 10% देंगे गवर्नमेंट या फिर देंगे कितना, 60,000 मैक्सिमम देंगे। ठीक है, और फिर चलते हैं अपन आगे, आगे कौन सी योजना है, क्या है। तो फिर है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है ना 2022 वाली, जो कि 8 सितंबर 2022 को आई थी, इसमें 1,000 लाभार्थियों को लाभ देना है। ठीक है, 1,000 लाभार्थियों को लाभ देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंदर 1,000 लाभार्थियों को ही लाभ देना है। फिर है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम नीति कब आई थी,
राजस्थान की उद्योग नीति प्रथम कब आई थी, 24 जून 1978 को आई थी, फिर आई थी 90 में, फिर आई थी 94 में, फिर आई थी 98 में, फिर 10 में, फिर 2015 में, और फिर अभी आई है 2019 में, जो कि 1 जुलाई 2019 को राजस्थान औद्योगिक विकास नीति लागू होगी। 1 जुलाई 2019 को राजस्थान की 7वीं औद्योगिक नीति लागू हो गई थी। पहली कब आई थी, 78 के अंदर, पहली आई थी 78 के अंदर, और अभी है 7वीं, जो कि 1 जुलाई 2019 से संचालित है। फिर देखें CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो IAS मेंस में भी पूछा गया था। इसके अंदर क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कुल संपत्ति अगर 500 करोड़ या अधिक हो, ठीक है, या टर्नओवर 1,000 करोड़ हो, या शुद्ध लाभ कितना हो, 5 करोड़ हो। वापिस बोलता हूँ, कुल संपत्ति 500 करोड़, टर्नओवर 1,000 करोड़, शुद्ध लाभ 5 करोड़, ठीक है, शुद्ध लाभ 5 करोड़, ठीक, ये सभी अगर हो तो इन संपत्तियों पर लागू होगा CSR। क्या करना पड़ेगा कि पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ का औसत 2% अनुसूची 7 में, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 है ना, उसकी अनुसूची 7 में वर्णित जो भी गतिविधियों पर है ना, उस पर व्यय करना पड़ेगा। मान लो कोई भी, मान लो मेरी कंपनी है और भाई साहब मेरे शुद्ध लाभ होता है 5 करोड़ रुपये, है ना, 5 करोड़ रुपए मेरा साल का मतलब लाभ हो रहा है, या फिर टर्नओवर मेरा है 1,000 करोड़ का, या फिर मैंने निवेश, कुल संपत्ति मेरी है कितनी, 500 करोड़ की कुल संपत्ति है, 500 करोड़ की कुल संपत्ति है, 1,000 करोड़ का है टोटल टर्नओवर, और लाभ या फिर मेरा कितना है 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, पिछले 3 सालों का जितना मेरे को लाभ हुआ ना, उसका 2% औसत का 2% मुझे जो कोई भी कंपनी है, मतलब दूसरे अच्छे कामों में लगाना होगा, जो किस में वर्णित है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में वर्णित है। फिर देखें राजस्थान ने उसने क्या किया, CSR प्राधिकरण, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बना दी, कब, 5 नवंबर 2019 को। एक मैंने बताई थी आपको राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कब आई थी वो, 8 नवंबर 2019 को, उससे 3 दिन पहले क्या बना दिया था आपने, CSR अथॉरिटी बना दी थी, कब, 5 नवंबर 2019 को, 5 नवंबर 2019 को CSR अथॉरिटी राजस्थान में बना दी गई थी। थक गया दोस्तों, बोलता बोलता, हाँ। फिर देखें कि मैं क्या था, हाँ ठीक है, तो CSR ये बता दिया मैं आपने। फिर है महत्वपूर्ण और संस्थाएं क्या है, एक तो पढ़े अपन BIP, ब्यूरो ऑफ, इसकी BIP की फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जिसकी स्थापना 1991 में की गई। बड़े निवेश प्रस्तावों को सुविधा हेतु 10 करोड़ से अधिक प्रस्तावों हेतु स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव है, ठीक है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी 10 करोड़ से ऊपर के लिए, ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर कोई अगर मतलब अपने यहाँ पे निवेश कर रहा है ना, तो उसके लिए अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जिसका नाम है स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, जिसका अध्यक्ष कौन है, मुख्य सचिव, ठीक है क्या। तो वापस बताता हूँ, BIP स्थापना 1991, 10 करोड़ से अधिक अगर कोई निवेश करे तो, क्योंकि 10 10 करोड़ की तो अपने योजना ही चल रही है, उस योजनाओं से ज़्यादा ही अगर अपने कोई इन्वेस्ट करे तो उसके लिए एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनाई है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी किसकी अध्यक्षता में, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर देखें इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, यह एक तो हुआ था अलवर के अंदर, फिर एक हुआ था वडोदरा अहमदाबाद में, फिर एक हुआ था दिल्ली और एक हुआ था जयपुर, तो 2 तो अपने ही हो गए थे यहाँ पे, ठीक है, एक जयपुर और अलवर में हो गए थे, फिर एक अपन ने गुजरात वडोदरा और अहमदाबाद में करवा दिया था, और एक करवा दिया था दिल्ली के अंदर, क्या, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इन्वेस्टर को कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम करवाए कि भाई साहब हमारे यहाँ पे करो। गुजरात में क्यों करवाया था, तो आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े जो उद्यमी है वो गुजरात के अंदर है वहाँ पे, और दिल्ली तो कैपिटल है इसलिए दिल्ली में भी करवा दिया, ठीक है, और एक तो हुआ था अलवर में, एक हुआ था जयपुर में, क्या, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, ठीक है क्या। फिर चलते हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट, जो कि 7-8 अक्टूबर 2022 को सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया था, और इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ, कौन, भारतीय उद्योग परिसंघ राष्ट्रीय भागीदार था, ठीक है, और 6 गणमान्य व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। अपने से क्वेश्चन ऐसे पूछा दिया जा सकता है कि इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट था 7-8 अक्टूबर को सीतापुरा जयपुर के अंदर, उसमें कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था,
या फिर ऐसे सीधा क्वेश्चन अपने को करंट से पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था, तो 6 गणमान्य व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था। और इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया और उसके अंदर राष्ट्रीय भागीदार भारतीय उद्योग परिसंघ था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक बताई थी इन्वेस्ट, एक अपने इन्वेस्ट वाली पढ़ी थी ना, राजस्थान, हाँ राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम थी, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम जो कब आई थी, वह 8 अक्टूबर 2022 को आई थी ना, वो इसी में ही मतलब लॉन्च की गई थी, एक सेकंड देखता हूँ, हाँ जो वो क्या है, इसी के अंदर ही की गई थी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, वो वापिस से पुनः प्रारंभ की गई थी, वो 7 अक्टूबर 2022 को इसी में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। फिर देखें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, 15 विभागों की 140 सेवाएं हैं, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में 15 विभागों की 140 योजनाएं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में कितनी है, 15 विभागों की 140 योजनाएं हैं। उसके बाद में है वन स्टॉप शॉप प्रणाली, वन स्टॉप एक स्टॉप और शॉप प्रणाली, इसी के तहत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है। इतनी देर मैंने आपको बताया था कि स्टेट एम्पावर्ड कमिटी किसके तहत थी, वो थी कौन सा, मैंने आपको बताया था BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जो कि जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी, उसके लिए जो 10 करोड़ से ऊपर का जो अगर कोई करे ना, तो उसके लिए एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, उस किसकी अध्यक्षता में, मुख्य सचिव की। लेकिन यहाँ पे है वन स्टॉप शॉप प्रणाली के तहत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया गया है जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है। तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री है, लेकिन स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। फिर है रिको, राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था रिको को माना जाता है, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, ऋण सुविधा प्लस तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाती है। क्या रिको क्या क्या सहायता देती है, एक तो ऋण सुविधा देती है, मतलब कोई भी अपने से उद्योग प्रारंभ करना है तो ऋण सुविधा दे दी, और दूसरा कोई भी टेक्निकल सहायता है ना वो देती है रिको। फिर रिको के एग्रो फूड पार्क्स हैं, ठीक है, कहाँ पर है, 4 एग्रो फूड पार्क है, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में है। इसके अलावा तिवरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। फिर है जापानी पार्क, कहाँ पर है जापानी पार्क, जापानी पार्क है एक तो है निमराना और दूसरा है गिलोट के अंदर, ठीक है। और फिर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हैं जो रिको द्वारा संचालित किए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी यह भी जयपुर में है, और इसके अलावा इंडिया स्टोन मार्ट, ठीक है। फिर अगला है इंडिया स्टोन मार्ट, ये भी रिको ने आयोजित करवाया 2022 में, आयोजित सीतापुरा में करवाया था इसका, और जयपुर में तथा साथ ही जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का भी आयोजन कराया था, किसने, रिको ने। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 जयपुर में आयोजित हुआ, जिसका आयोजन किसने कराया था, रिको ने करवाया था। इसके अलावा रिको एक तो 4 एग्रो फूड पार्क चलाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन चलाता है, जापानी पार्क चलाता है, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ पर, तिवरी जोधपुर वाला वो चलाता है, और सेज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, सेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक तो जेम्स ज्वेलरी वाला बताया, एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी बताया था। फिर इसने एक इंडिया स्टोन मार्ट का भी आयोजन रिको ने करवाया था, इंडिया स्टोन मार्क रिको, इंडिया स्टोन मार्ट रिको, इंडिया स्टोन मार्ट रिको ने जयपुर में। फिर देखें एक सेकंड में देख लेता हूँ कितने पेज रह गए दोस्तों, भाई साहब अभी तक तो खूब पड़े हैं ना, वैसे 3-4 रहे हैं, चलो पार्ट 2 डालते हैं ना, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, पढ़ते रहें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है।